क्या पढ़ना है मेरे को नहीं पता सर गुड़े फेसबुक हो रहे हैं फेसबुक हो रहे हैं क्या प्रॉब्लम है कुछ लोग ऐसे थे हाँ मैम लाइव करा ना करा ना आज नको लाइव कर रहे मैम करा ना करा ना करा स्टार्ट हो गया हाँ मम्मी ऐसे दक्षा संचिता हेलो दक्षा सिंह हेलो मैम इशिका आवर टॉप फ्रेंड जॉइन सुदीपा मंजिरी हाय मंजिरी अपराजिता ओके हेलो मैम हाउ आर यू सुष्मिता स्नेहा पल्लवी हेलो रेखा हाय रेखा हेलो फ्रेंड्स मी सोनल मांजरेकर वेलकम टू द केक हाउस आज हमारा वीडियो लॉन्च हो रहा है हम लोग यहाँ पे कर रहे थाने में आज पूरा दिन मेरा ऐसे बोल रहा मैं इसका नाम इसको बोल रही हूँ कुछ ऐसा पूरा दिन आज क्या एकदम उल्टा पुल्टा हो रहा है बोलते सो आज हम लोग थाने के बैच में है थाने में है हम लोग क्या एरिया वसंत विहार में है थाने में और देखो हमारी बैच सब लोग हाय करो सो आज हम लोग यहाँ पे ठाणे में हैं और आज हम लोग जन्माष्टमी स्पेशल बहुत लोग बोल रहे थे मैम जन्माष्टमी स्पेशल केक बताएं तो आज हम लोग लाइव में जन्माष्टमी स्पेशल केक देख रहे हैं ठीक है तो आज मैंने ये केक कितने जने लाई 700 प्लस चलो तो प्रियंका सिंह मैम मेरा 3 साल का लड़का है वो भी आपकी वीडियोस देखता है थैंक यू से हाय टू हर्ष हाय हर्ष तो ये मैंने क्रम कोड करके रखा है और इसे हम लोग आज क्या बनाने वाले हैं जन्माष्टमी स्पेशल जन्माष्टमी स्पेशल केक बनाने वाले हैं वो थीम में केक बनाने वाले हैं अभी ठीक है तो हम लोग जैसे मैं एवरी टाइम अभी तक कैसे दिखाया है जैसे कि हम लोग नॉर्मल राउंड शेप में केक बनाते हैं स्क्वायर शेप में केक बनाते हैं आज हम लोग यहाँ पे डोम शेप में केक बनाने वाले हैं डोम शेप आप टू सभी है ना सो सर को सब पता है क्या लेना है क्या चाहिए हाँ तो यहाँ पे मैंने देखो टू टाइप के डोम शेप करने आते हैं एक तो हम लोग केक को सेट करने के बाद या पहले भी वेरी लो योर आवाज कम आ रहा है नॉट ऑडिबल सो अभी आ रहा है हेलो आ रहा है सो हाँ सोनल मांजरेकर मोठ्याने बाकीचं हळू हा असं काय नाही आ रहा है ना तो अभी हमें क्या करना है टू टाइप्स के डोम शेप एक तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम लोग साइड कॉर्नर्स कट करके भी कर सकते हैं ठीक है या फिर हम लोग ऊपर के लेयर में थोड़ा ज्यादा क्रीम स्प्रेड करके भी कर सकते हैं अगर साइड कॉर्नर कट करने हैं तो इस तरह से हल्का सा हमें क्या करना है कॉर्नर्स कट करने हैं ठीक है अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे आवाज नहीं अभी इन्होंने वीडियो लगाया तो आवाज परफेक्ट आ रहा है आवाज आ रहा है मेरा है क्या बरोबर है आवाज बरोबर है ना फेसबुक वर हाँ अभी बंद करो अभी बंद कर इको साउंड नहीं तो डबल आ जाएगा अभी आज हम लोग क्या बनने वाले हंडी बनाने वाले हैं हाँ तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हंडी का कलर बनाएंगे ब्राउन जैसा सो मैंने क्रीम लिया है यहाँ पे और इसमें हम लोग ये ब्राउन कलर मैं बेकर्स विले का ब्राउन कलर यहाँ पे यूज कर रही हूँ
लोग इतने शांत क्यों, कुछ बोलो ना फिर, मेरे को डर लगता है तुम लोग इतना शांत बैठे तो। हाँ ना, आप लोग भी नहीं बोल रहे, सर कुछ पढ़ नहीं रहे, इतना शांति। सब लोग वही यस नो यस नो इतने यस नो यस नो क्या पहले आपने पूछा है ना कि वॉइस क्लियर आ रहा है क्या, सो यस बोल रहे, आधे जन लोग बोल रहे। सो मैंने ब्राउन कलर लिया है, जेल कलर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हंडी बनाने वाले हैं कृष्ण भगवान की, बराबर ना, माखन चोर, माखन चोर। सो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है। मैम समवन सिंह मोदक केक भी लाइव में बताइए। यस यस, मोदक केक मैंने लास्ट ईयर भी लाइव बताया था, ये टाइम भी बताऊंगी, ठीक है। दामिनी बोर्से सिंह गुड आफ्टरनून ताई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हां नहीं तो हां, फैन बंद कर, मुझे आवाज व्यवस्थित दे। हां फैन बहुत गर्म है, थोड़ा स्लो कर, थोड़ा स्लो कर। सो ऊपर से हमें क्रीम लगाना है। हां किसका आवाज आ रहा है, दादी। चलो सो यहां पे मैं पैलेट नाइफ से यहाँ पे मैंने ऊपर से क्रीम, ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं साइड से पहले क्रीम कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर का लेयर लगाते हैं, बट अभी डोम शेप में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से क्रीम लगाएंगे, ठीक है। तो हल्का प्रेशर देके हमें क्या करना है, स्प्रेड करना है। देखो इस तरह से क्रीम अपने आप नीचे आते रहेगा, ठीक है। देखो कितना मस्त आया फिनिशिंग। अभी यहाँ पे जो बेस कितने केजी का है मैम, हाफ केजी का है ये। बहुत जन आपके राह देख रहे थे, कभी आ रहे थे लाइव पर, हाँ क्या जन्माष्टमी के लिए। ओ आज मैं जन्माष्टमी स्पेशल केक दिखा रही हूँ, सब लोग ये केक बनाओ जन्माष्टमी के दिन। आप वो दही काला जो रहता है उसका फ्लेवर का भी आप केक बना सकते हो, दही काला जो हम लोग पोहा बोलते है ना, पोहा को दही में भिगा, दही में भिगा के रखते हो, वही रहता है ना, ठीक है। ये हो गया हमने, अभी हमें क्या करना है, यहां से नीचे से लेके ऊपर तक हमें ऐसे टर्न करना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। So lots of people watching from Bangladesh and Pakistan. So thank you. Say hi to all. Hi all. Hi. Hello. सभी पाकिस्तान बांग्लादेश वालों को मेरा हेलो। अभी यहाँ पे देखो हम लोग नॉर्मल ये स्क्रैपर यूज करते हैं, इस तरह के जो हार्ड स्क्रैपर रहते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को सॉफ्ट स्क्रैपर यूज करना है। मार्केट में इस तरह से सॉफ्ट स्क्रैपर मिलते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे, मैं ज्यादा कंफर्टेबल कन्वीनियंट मुझे ये फाइल पेपर का लगता है, ठीक है। तो ये फाइल पेपर का जो फाइल पेपर रहती है ना सबके घर में, तो उसका मैंने एक जस्ट क्या किया है, पोर्शन कट करके लिया है। मैम विप क्रीम में सिर्फ जेल कलर ही यूज होता है क्या? नहीं, विप क्रीम में लिक्विड कलर भी यूज होता है, बट जेल कलर मैं ज्यादा प्रीफर करती हूँ। सी हो गया अच्छे से, अभी नीचे से, हाँ 1.7 के लाइन। ओ लवली, से हाय टू यशिता। हाय यशिता, ऑफलाइन क्लास इन अंधेरी, अंधेरी में अभी हुआ हमारा क्लास, लास्ट वीक में हम लोग अंधेरी में थे। पायल सिंह मैम आप बहुत अच्छी तरह से सिखाते हो, थैंक यू पायल, थैंक यू सो मच। सो फॉन्डेंट, ऑफलाइन फॉन्डेंट क्लासेस अवेलेबल इन अंधेरी। ऑफलाइन क्लासेस मेरे ऑफलाइन नहीं होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस मैंने ऑनलाइन में ही सिखाया है, फोंडेंट के बहुत अच्छे से, सॉरी फोंडेंट के बहुत अच्छे से सिखाया है आपको। ऑफलाइन क्लास करने की कोई जरूरत
नहीं है वो क्लास से, इतना अच्छे से सिखाया है मैंने, ठीक है। सो ये मेरा डोम शेप रेडी है। वेरी गुड। साइड से थोड़ा क्रॉस करेंगे हम लोग यहाँ पे नीचे से। अश्विनी सिंह वो पीछे कौन है? कौन? उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है। वो जो उसकी सिस्टर है जिसके घर में हम लोग क्लास कर रहे हैं, उसकी सिस्टर बैठी है। उसके एक्सप्रेशन एकदम बहुत अच्छे हैं। एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, क्या आ रहा है? मुझे भी थोड़ा करके बता फिर से। मैंने नहीं देखा तो मुझे लाइव देखना पड़ेगा तेरे एक्सप्रेशन के लिए। सब लोग उनको ही देख रहे केक। सच्ची में केक को नहीं देख रहे? ओए तुझे देख रहे केक को नहीं देख रहे? खाना दिख रहा है। क्यों रे ऐसे बोल रही है? सबसे बड़ा वड़ा पाव। वड़ा पाव अच्छा लग रहा है। व्हाइट पेन है। हाँ रसगुल्ला। वाव अभी एक एक का नाम मत ले। हाँ नहीं तो मुझे देखेंगे सर। सब एक्सप्रेशन सारे देख, मेरे एक्सप्रेशन देखेंगे। सो अभी हम लोग ने क्या किया है? डोम शेप कैसा है? डोम शेप परफेक्ट पता चला सबको। अभी इसे हम लोग क्या करते हैं? तो विदाउट फॉन्डेंट हम लोग आज बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं कि हर एक चीज के लिए फॉन्डेंट की जरूरत नहीं है। हम क्रीम से भी बहुत सारी चीजें सब कर सकते हैं। सो रिव्यू हाँ तब तक रिव्यू ले लो सब लोग। कैसा लगा क्लास आपको? मेरा मैडम कैसी लगी? बहुत नाही मी बरेच दिवसापासून पाहत होती, पण आज ठाण्याला आल्यामुळे मला चांगला जन्माष्टमी स्पेशल बघायला मिळत आहे व्यवस्थित, आणि फार मजा आली आहे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आणखीनच मस्त मजा येईल। थँक्यू थँक्यू। कैसे लगा क्लास? खूप छान आहे। अजूनपर्यंत फक्त फेसबुकवरती बघत होतो, पण आता प्रत्यक्षात जास्त टेक्निक्स आणि शिकायला, आणि मॅम तर नेहमी छानच करतात, छान वाटतंय। थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच। यस मॅम खूप छान आहे क्लास। मॅम खूप छान शिकवतात आणि खूप इझी टेक्निक्स आहेत मॅमचा। ओके थँक्यू। यस मॅम मॅडम खूप छान शिकवतात, खूप छान एक्सपिरियन्स आहे। यस एकदम न्यू, लेकिन आज ऐसा लग ही नहीं रहा है क्योंकि मैडम ने इतना इजी वे और एकदम प्लेफुल मेथड में सिखाया है, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यस शी इज अ टीचर। हां शी इज अ टीचर और बहुत अच्छे से, मतलब उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है केक के बारे में, मतलब पूरा जीरो है, बट फिर भी उन्होंने आज पूरा एक केक बनाया है। राइट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और डर जो था अंदर वो अभी बिल्कुल नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कब जाके घर पे जाके मैं खुद बनाऊं, और मैडम को सबसे पहले मैं उनको भेजने वाली हूँ। यस यस। और इनको इनके इनके बेटे का बर्थडे है, बेटी का 4th September, और उनके लिए वो स्पेशल बेटी के लिए केक बनाने के लिए यहाँ पे आई है ठाणे में। सो वेरी नाइस। यस मैम आपको कैसे लगा? मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, बट मैं श्योरली जाते जाते काफी अच्छी नॉलेज लेकर जाने वाली हूँ। वेरी थैंक यू थैंक यू। यस बेस्ट एक्सपीरियंस है। बेस्ट एक्सपीरियंस बस एक ही वर्ड। थैंक यू। देख देख वो किधर भाग गई? भाग गई क्यों? भाग गई रे। अभी मुझे ये इसका क्या दिखाना है, मतलब अच्छे से मड़का दिखाना है, बराबर ना? मड़का ही बोलते हैं ना, मटका हिंदी में मटका बोलते हैं हम लोग, मड़का।
थोड़ा हिंदी मेरा समझ सकते हो ना आप सब लोग, समझ ही गए रहेंगे। मैम केरला आ जाओ, सीमा सीमा क्या बोल रही है? मेरा भी बर्थडे 4 सितंबर। चलो चलो पार्टी पार्टी, पार्टी। कुछ नहीं बनाएंगे सबको, कौन सा बनाएंगे? हाँ वो डिस्कशन बाद में, कौन सा बनाएगी क्या बनाएगी बाद में डिस्कशन। मैं ये बनाती हूँ। हाँ अभी मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ये मटका है बराबर, तो ये मटका लगना भी चाहिए ना डोम शेप में, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ठीक है इसको थोड़ा और गोल बॉर्डर ज्यादा करेंगे। लग रहा है अभी लग रहा है ना? तो हाँ बोलो ना। हाँ बोलने लेके भी कितना भाव खाते हो, स्पीचलेस। ओ वाव, सो मैंने यहाँ पे मटका किया है ठीक है, वो जैसे क्या बोलते हैं वो मटका बनाते हैं ना, वो वैसा ही लग रहा है मेरे को एकदम। बंगाली हूँ, मुझे इतना अच्छा हिंदी नहीं आती। हाँ मुझे भी नहीं आती। यू आर माई केक क्वीन। मुझे भी नहीं आती, क्या करूँ, बोलती हूँ बट मैं मेरा भी बर्थडे है 3 सितंबर को। चलो मल्ली का मेरा भी बर्थडे है। सबका बर्थडे है ना। सेम टाइम पे अभी देखो मैं कैसा कर रही हूँ। सब लोग है ना लायू कि गए सब लोग? 2.1 के लायू। वेरी गुड। कुछ बोल रहे कि नहीं बोल रहे? सब लोग इधर उधर ही बुला रहे सब जगह पे। केरला आ जाओ, कोचीन आ जाओ, सब जगह पे आएंगे। नासिक आ जाओ, गुजरात गुजरात। अभी अहमदाबाद आ रहे हैं, अहमदाबाद वाले लोग अभी किधर गए? 2.2 के लाइव। वेरी गुड। आज हम लोग बहुत बढ़िया टेक्निक सीखने वाले हैं, तो जल्दी लाइव आ जाओ, और जो लोग स्टार भेजेंगे उनको मेरी तरफ से लव यू। बहुत सुपर मैम, मनीषा से आसाम जम्मू भी आ जाइए मैम। यस यस आएंगे, जरूर आएंगे। आसाम जम्मू और कौन कौन सा है, हैदराबाद। कैसा लग रहा है? एकदम मस्त लग रहा है। हाँ एग्जैक्ट लग रहा है ना। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये मटका तो निकाला बट इसको सजाना भी तो पड़ेगा, नहीं तो लगेगा कैसे। तो अभी हमको इसको सजाएंगे। सजाने के लिए हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाँ क्या हुआ इवापोरेक्स लिया है। इवापोरेक्स हाँ सबको पता है, इवापोरेक्स नहीं पता है। अभी यहाँ पे डस्ट पता है, ग्लिटर शिमर केक देखा हम लोग ने राइट। अभी यहाँ पे मैं डस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, देखो इस तरह से मैंने डस्ट इस्तेमाल किया है। डस्ट इस्तेमाल किया है, एक मिनट। रोजी सिंह वाज वाचिंग, the pot is looking very nice. Pot you are making so beautiful cake. Thank you. Reena Malik. Reena Malik. Reena Naik, sorry.
आज मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने दो डस्ट लिए, एक तो मैंने लिया है कॉपर लिया है और एक डस्ट है ब्राउन। देखो ये दो डस्ट है, सबको दिख रहा है, ये कॉपर है ये ब्राउन है, तो थोड़ा मुझे दोनों का भी शाइनिंग चाहिए, ठीक है। सो मैं शिमर पम्प का जो मशीन रहता है हमारा, इसमें मैं दोनों भी चीज ऐड कर रही हूँ। नाइस हैंडी मैम, थैंक यू। फोड़ने वाले हम लोग उसको। हाँ फोड़ेंगे ना, रियल मटका लग रहा है मैम। वाओ नाइस, यस थैंक यू। ब्यूटीफुल केक एंड, और थोड़ा ब्राउन। हाँ ब्यूटीफुल केक एंड मैम आल्सो, थैंक यू। जस्टिन इज सेइंग इट इज वेरी नाइस मटका, थैंक यू। यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्राउन एंड थोड़ा कॉपर, हाँ ये दोनों भी चीजें मैंने ली है ताकि ब्राउन का शेड भी आए और शाइनिंग भी आए कॉपर का। हाँ इवापोरेक्स कब यूज होता है मैम? अभी मैं दिखा रही हूँ ना इवापोरेक्स का यूज, इसमें मैं कॉपर थोड़ा ज्यादा डाल दी और ब्राउन थोड़ा ही डाल रही हूँ। अभी इसका कुछ है ना ऐसे मेजरमेंट नहीं है कि मैम मैं ये कितना लू ये कितना लू, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है, हमको थोड़ा लिक्विड करना है उसमें। सो ये मैंने मिक्स किया, अभी इसमें मैं इवापोरेक्स है वो इवापोरेक्स थोड़ा सा ऐड कर लूं। राजेश आल्सो सेइंग रियल मटका लग रहा है मैम। यस थैंक यू राजश्री, ब्यूटीफुल हांडी, कृष्णा जी खुश हो जाएंगे। अनिता सिंह अभी इसमें हम लोग जो शिमर पंप यूज करते हैं नॉर्मली इसका जो ये पाइप रहता है उसे हम लोग निकाल देते हैं, बट ये लिक्विड के लिए हमें उसे निकाल नहीं देना है, ठीक है। अब इसको हम बंद करेंगे। डस्ट एंड ग्लिटर सेम रहता है क्या? नहीं, डस्ट है वो पाउडर फॉर्म में है और जो ग्लिटर है वो स्पार्कल स्पार्कल में है। सर को सब पता है, सर मुझे क्यों पूछ रहे हो, आप ही तो बता दे दो एक बार। वैसे केक भी बनाने के लिए बोला है मैंने आज ही सर को, पता नहीं। केक इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू। एक मिनट, ये लगा नहीं शायद, इसमें थोड़ा मुझे और इवापोरेट डालना है। से हाय टू मिस्टी। Hi Mishti. After a long time watching your live, we're happy to see you. Love from Jasi. Thank you. Golden spray use, golden shining spray use कर सकते हैं क्या? हाँ। Golden shining spray. पटके के ऊपर. Yes कर सकते हैं. ये पकड़ जरा, पड़ल नहीं ना, तो जो हाथ ठेवा जा हाथ ठेव। ये जो मशीन रहता है ये कभी कभी धोखा भी देता है, कभी कभी धोखा भी देती है। इसके अंदर है ना, इसे घुमाना है प्रॉपर अच्छे से, कभी कभी ये लूज हो जाते हैं। 2.7 के, वेरी गुड। अभी ये सीखने मिला आपको क्या होता है, इसे अच्छे से लगा देना है प्रॉपर, क्योंकि हवा नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। लिक्विड पकड़, लिक्विड ये इवापोरेक्स है, अगर इसको थोड़ा भी हम लोग खोल के रखेंगे तो वो उड़ जाएगा, राइट। हैप्पी, लॉट्स ऑफ पीपल सेइंग हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस मैम। सो बोरीवली में आपका नेक्स्ट बैच कब है मैम? बोरीवली में अभी नेक्स्ट बैच 5 सितंबर।
से हाय टू पहल। हाय पहल, एक मिनट। कैसा लग रहा है? सुंदर। हाँ तो दही तो वो डालेंगे, वो तो माखन क्या बोलते हैं, मक्खन चोर, तो वो तो डालेंगे ही हम लोग, बट उसके पहले हम लोग बासुरी बनाएंगे। वो भी बहुत मतलब जो बासुरी बनाते हैं बासुरी, अरे वो ऐसे भी बोलते हैं ना मराठी में। सो बासुरी जो बनाते हैं वो जो है वो फॉन्डेंट की बनाते हैं नॉर्मली, बट हम लोग क्रीम से बनाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बासुरी जो है बासुरी नॉर्मली फॉन्डेंट की बनाते हैं सब लोग, बट हम लोग आपको सिखाएंगे कि क्रीम कैसे बनना है, ठीक है, बराबर। सो रूपल इज सेइंग नाइस मैम, ओरिजिनल मटका लग रहा है, लग रहा है, नाइस कॉम्बिनेशन, थैंक यू, इवन कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इसके ऊपर मटके को थोड़ा सजाएंगे, हाँ घेऊन जाते ठेवून दे, सो अभी हम लोग थोड़ा उसको सजाते हैं, क्रीम लगेल मला थोडं, ते लागणार आहे तुला अजून नाही टाकून दे जाऊ पडलं तर टेबल खराब हो थोडा मी येलो कलर लेते हूँ। आरती वॉचिंग फ्रॉम हॉलंड, हॉलंड से हाय टू आरती, हाय आरती प्लीज, हाय टू आशु, अंशु, हाय अंशु, बहुत मैसेज किए उन्होंने, हाँ उन्होंने बहुत मैसेज किए, प्लीज से हाय टू मी, हाय अंशु ना, यस। यहाँ पे मैंने एक येलो कलर डाला है, जेल कलर है ये, येलो कलर भी कृष्ण भगवान जी का भी फेवरेट है, बराबर ना, और मेरा भी हाँ हाँ
बरोबर हा जे कोणाच्या लक्षात पण नसेल आलं ना ते तुम्ही लक्षात आलं हा सो यहाँ पे मैंने एक येलो कलर दिया है मस्त है ना कलर इसीलिए पसंद है मुझे कुछ डिजाइन करेंगे हम लोग विदाउट नोजल हम डिजाइन करने वाले हैं ग्रेट वर्क थैंक यू स्वप्निल से हाय टू आयशा हाय आयशा ठीक है मस्त वाटत है वाइट डाल चांगला वाटला वेरी नाइस आज बहुत हम लोग अच्छा टेक्निक सीखने वाले हैं जो विदाउट फोंडर बांसुरी कैसे बनाना है लुकिंग वेरी ऑसम मैम थैंक यू वेरी गुड ऐसे नियॉन कलर का फील नहीं आ रहा आपको रूपाली सिंह वेरी नाइस ड्रेसिंग मैम थैंक यू सुजाता सिंह नाइस फिनिशिंग थैंक यू सो मच वाव सुपर सो ये मटकी को हमने सजाया है अच्छे से ठीक है अब हम क्या बनाएंगे बांसुरी बांसुरी बनाएंगे हाँ तो बांसुरी के लिए क्या क्या येलो कलर का ही बनाएंगे ना थोड़ा ब्राउन कर रहे You are amazing in color combination. अपन टी गोल्डन बांसुरी कर रहे हैं सो मैं यही लेती हूँ अब एक बांसुरी बनानी है तो कैसे बनानी है हाँ क्या बोल तो क्रीम दे जरा क्रीम ऑन पटको से हाय टू शुभ्रा हाय शुभ्रा समवन सेइंग यू आर अमेजिंग इन कलर कॉम्बिनेशन थैंक यू सो मच सेइंग ब्यूटीफुल केक मैम थैंक यू नवी मुंबई में कब है क्लास नवी मुंबई अभी बहुत टाइम लगेगा नवी मुंबई के लिए सो यहाँ पे मैं क्रीम ले रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्रीम ले रही हूँ तो हम लोग को क्या माखन दिखाना है ना कितने लोग लाए हुए हैं 2.7 के आई दिन में फर्स्ट टाइम देखा देख रही हूँ बहुत खूब लग रहा है सुंदर लग रहा है मेरे को मटका थैंक यू ये मैंने माखन के लिए लिया है अभी मैं इस पे थोड़ा जैसे हम लोग को क्या चाहिए बांसुरी चाहिए ना
बांसुरी के लिए मैं यहाँ पे क्रीम ले रही हूँ। से हाय टू धनेश, जयश्री। हाय जयश्री, यू गॉट ग्रेट टेक्निक स्किल मैम, शोभा। थैंक यू। यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर ले रही हूँ अभी बांसुरी दिखाने के लिए, ऑरेंज, हल्का ऑरेंज, और हल्का मेरे पास गोल्ड कलर है। मेरे पास गोल्ड कलर है शेफ मास्टर का, ऑरेंज एंड गोल्ड कलर को मैंने मिक्स किया है, ठीक है, ऑरेंज एंड गोल्ड कलर। स्नेल्स इन सुपर डुपर, थैंक यू, नाइस कलर कॉम्बिनेशन। सी हो गया गोल्ड कलर आ रहा है, ये देखो, हाँ बराबर बांसुरी कलर, थोड़ा और मैं गोल्ड कलर ऐड करती हूँ। Someone sending the stars. Thank you so much. प्लीज ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि ये वीडियो देख के सभी लोग ये गोकुलाष्टमी के दिन ये ऐसा केक बनाए और सेलिब्रेट करें, ठीक है। सो इसमें भी मैं थोड़ा सा गोल्ड कलर ऐड कर रही हूँ पाइपिंग बैग में, ताकि और अच्छा फिनिशिंग दिखे, और इसे स्प्रेड करना है शेडेड, जैसे कि लकड़े का कलर कैसा रहता है, शेडेड रहता है ना, राइट। तो मैंने यहाँ पे अब इसे मैं इतना कट कर रही हूँ, बांसुरी के लिए मैंने इतना कट किया है, देखो कितना मस्त बढ़िया शेडेड आया है, दिख रहा है सबको। अभी मैं बांसुरी बनाऊंगी, बांसुरी के लिए मैं यहाँ पे डॉवेल्स लिया है, सबको पता है डॉवेल्स, डॉवेल्स पता है सबको, इस तरह से डॉवेल्स मिलते हैं मार्केट में जो हम टीयर केक के लिए यूज करते हैं। सो इसे हमें क्या करना है, पाइपिंग बैग के अंदर डाल देना है, डाला, जितना हमें बांसुरी का साइज चाहिए उतना डालना है, और इसे ठीक है, ये मैंने ऐसे किया। अभी बांसुरी कैसे रहती है, यहां से पूरा अंदर सेइंग मैम, कल भी आप डोमिली के बैच में सीखा हो यही केक जन्माष्टमी स्पेशल। सो देखा इस तरह से रहता है, बराबर परफेक्ट है, और यहाँ पे कुछ ऐसे डॉट्स रहते हैं ना कुछ, राइट, हाँ ना, क्लोज क्लोज डॉट्स निकाले मैंने, अभी इसे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, परफेक्ट, 3.3 के, वेरी गुड। अभी इसे हम क्या करेंगे, देखा मैंने विदाउट फोंडेंट बांसुरी बनाया है, और आकांक्षा सिंह वाह वाह क्या टेक्निक है मैम, वेरी नाइस, थैंक यू। सी समझ में आया, हाँ समझ में आया, समझ में आया,
एक ही साइड रहते हैं ना ऐसे। हाँ। अब हम क्या करेंगे, या फिर आप इसके ऊपर बॉल्स भी लगा सकते हैं, गोल्डन बॉल्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माखन का दिखाना है, तो मैंने इसे बिन कट किया, देखो विदाउट नोजल ये केक है हमारा, विदाउट नोजल, बिल्कुल भी इसमें हमने नोजल यूज नहीं किया है, विदाउट फॉन्डेंट, विदाउट फॉन्डेंट भी है इसमें, हमने बिल्कुल भी फॉन्डेंट नोजल यूज नहीं किया है। लीना सिंह वेरी सुपर ऑसम डिजाइन, सारिका सिंह, अमिता सिंह, और यहाँ से थोड़ा ऐसे ड्रिपिंग ड्रिपिंग बराबर। अंजलि कृति थैंक यू, वेरी नाइस केक, नाइस कलर कॉम्बिनेशन, आम्रपाली, निशा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज ये वीडियो को शेयर करने की रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सब देख सके, ये टेक्निक सबको पता चले और बहुत लोग इसका बेनिफिट ले, ठीक है। सो बहुत मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके आप लोगों को भी ये सारा वीडियो शेयर करना है, ठीक है। सो ये कृष्ण भगवान का फेवरेट क्या है और मेरा सबसे फेवरेट मोर पंख, ये हो गया हमारा जन्माष्टमी स्पेशल केक, कैसा लग रहा है, सुपर से भी ऊपर लग रहा है ये हमारा केक आज का, बहुत यानी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत लोग क्या करते पता है, मैं ऐसे लेती हूँ ना केक तो स्क्रीनशॉट लेते और हमें भेजते वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो ये केक हमारा रेडी है, सबको मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज ये वीडियो शेयर करो, जितना हो सके उतना मल्टीपल ग्रुप्स में शेयर करो ताकि ये टेक्निक्स ये नॉलेज सबको पता चले और सारे लोग ये जन्माष्टमी स्पेशल, क्योंकि देखो ये जन्माष्टमी स्पेशल भी केक रहेगा तो ये छोटे छोटे टिप्स है, ये टेक्निक्स है, ये आप हर जगह पे यूज कर सकते हो, ना कि जन्माष्टमी ये केक के लिए स्पेशल है, तो ये टेक्निक्स को यूज करके आप बहुत सारे, क्योंकि सबको फॉन्डेंट नहीं करना रहता है, जो विदाउट फॉन्डेंट भी आप इस तरह से केक बना सकते हो, तो आप ये जरूर टेक्निक को शेयर करो और लाइक करो, फॉलो करो और ये केक को कमेंट्स कीजिए कि आपको ये केक कैसा लगा। और ये हमारा कल आज ठाणा का बैच है और कल हम लोग डोंबिवली जा रहे हैं, डोंबिवली की बैच है कल हमारी, और 5 सितंबर बोरिवली वेस्ट की बैच है, तो जो भी इंटरेस्टेड है 9892219645 पे पिंग कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल।